आजकल आपने भी अपने आसपास कुछ फ्रेंड्स को जरूर देखा होगा जो हर टाइम बिना बात स्नैपचैट पर पिक्चर्स क्लिक करते रहते हैं, क्यों कहें तो स्नैप्स भेजते रहते हैं। और अगर आप ऐसे लोग को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पैटर्न देखने मिलेगा कि मैक्सिमम ऐसे यूजर होंगे जो स्नैपचैट को ना सिर्फ 10 से 20 मिनट यूज करते हैं बल्कि काफी आवर्स यूज करते हैं। आप कितने देर स्नैपचैट का यूज करते हैं कमेंट से मुझे जरूर बताएं। बट अगर आप स्नैपचैट का ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कि इंस्टाग्राम में रील्स है, प्रॉपर प्रोफाइल और अट्रैक्टिव इंटरफेस है, इसलिए ज्यादा यूजर इंस्टाग्राम से एडिक्टिव है। पर स्नैपचैट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट बहुत से लोगों को स्नैपचैट का एक ऐसा डार्क साइड नहीं पता जिसके वजह से आज के यूथ काफी ज्यादा स्नैपचैट से एडिक्टिव हो चुके हैं। मैंने दिसंबर 2020 में एक वीडियो पोस्ट किया था स्नैपचैट स्ट्रीक क्या होता है, उस पर ऑलमोस्ट मोर देन 11 लाख प्लस व्यूज आए। बट अगर आप कमेंट्स देखो तो मैक्सिमम लोग का ये क्वेश्चन है कि आखिर स्नैपचैट स्ट्रीक बनाने से फायदा क्या होता है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर स्नैपचैट स्ट्रीक एडिक्टिव क्यों है और इसके फायदे क्या हैं और क्या आपको इसको यूज करना चाहिए या नहीं। स्नैपचैट की पूरे वर्ल्ड में 406 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और सबसे ज्यादा स्नैपचैट यूज करने वाली कंट्री इंडिया है जहां 182 मिलियन यूजर्स हैं और सेकंड पर आता है यूएसए। स्नैपचैट की सबसे यूनिक बात यह है कि शुरू से ही स्नैपचैट पर मैक्सिमम ऑडियंस फीमेल थी और करंट टाइम में भी स्नैपचैट की 51% ऑडियंस फीमेल ही है और स्नैपचैट पर डेली बेसिस पर 5 बिलियन प्लस स्नैप्स भेजे जाते हैं। अगर आपने कभी स्नैपचैट यूज किया होगा तो आपको भी लगा होगा कि ऐप सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए ही है क्योंकि और कोई फीचर तो है नहीं और चैट तो आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी कर ही सकते हैं। और यहीं पर स्नैपचैट ने एक गेम चेंजर फीचर लाया जिसे कहा जाता है स्ट्रीक्स, जिसमें आप और आपके फ्रेंड को एक दूसरे को डेली एटलीस्ट एक स्नैप भेजना होगा और उससे होगा कि आपको मिलेगा एक स्ट्रीक नंबर और जितने दिन स्ट्रीक बनाएंगे नंबर उतना ही इंक्रीज होता रहेगा। तो इससे हुआ ये कि लोगों की हैबिट बन गई और जब नंबर बढ़ जाता है तो कोई नहीं चाहता कि स्ट्रीक उनका जीरो से स्टार्ट हो। और फिर क्रेज आया स्नैप स्कोर का जिससे और ज्यादा ऑडियंस स्नैपचैट स्ट्रीक बनाने लगी। और न्यू ऑडियंस की सबसे अजीब बात ये है कि जिनसे वो स्ट्रीक बना रहे हैं मैक्सिमम ना किसी का स्नैप्स ओपन करेंगे ना ही एक दूसरे को जानते, बट फिर भी उन्हें स्नैप्स भेजना है। और बहुत कम लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि स्नैपचैट स्ट्रीक 24 आवर्स में नहीं टूटता, इससे और ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि स्नैपचैट खुद नहीं चाहता कि आपका स्ट्रीक टूटे और आप स्नैपचैट को छोड़कर जाओ। वो आपको पूरा मौका देता है कि आप अपने स्ट्रीक को बचा लो और आप ऐसे स्ट्रीक बनाते रहो स्नैपचैट पर। तो आखिर स्नैपचैट स्ट्रीक बनाने से फायदा क्या होता है और इसका आंसर है कुछ भी नहीं, केवल आपका वर्चुअल स्ट्रीक नंबर इंक्रीज होगा और स्नैप स्कोर इंक्रीज होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि एवरेज एक स्नैपचैट यूजर 30 मिनट स्नैपचैट पर स्पेंड कर रहा है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30 मिनट ही यूज कर रहे हैं, कुछ लोग 1-2 आवर्स भी यूज कर रहे होंगे और कुछ लोग सिर्फ 5 मिनट भी कर रहे होंगे। स्नैपचैट स्ट्रीक बनाना चाहिए यानी वो आपके ऊपर, बट कोई भी चीज को अगर एक लिमिट में रहकर किया जाए तो अच्छा होता है। और लाइफ में स्टडीज है, आपका करियर, उनके बारे भी जरूर सोचे। और इस वीडियो को अपने सभी स्नैपचैट फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी रियलिटी पता लग सके। और हमारे स्नैपचैट के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। और अगर आपको भी जानना है कि स्ट्रीक्स ना टूटे उसके लिए लोग पैसे देने के लिए भी तैयार क्यों है तो आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आएगा।